मुंबई के जोगेश्वरी में बीजेपी के स्थापना दिवस पर के अवसर पर बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता एसएम खान के ऑफिसर पर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक सेल के प्रेसिडेंट वसीम खान के साथ कई लोग पहुंचे थे। वरिष्ठ नेता एसएम खान और वसीम खान ने मीडिया से बातचीत की और मोदी सरकार की उपलब्धि के ऊपर बातें कही और बीजेपी द्वारा काम किए गए उसकी सराहना की। वहीं से 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने की अपील किया। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं जोगेश्वरी में वर्सोवा विधानसभा में बीजेपी अल्पसंख्यक वरिष्ठ नेता एसएम खान की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एरिया के लोगों का पूरा अच्छा सहयोग एसएम खान को रहता है। आइए सुनिए बीजेपी के दोनों नेताओं ने क्या कहा। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमारी ये खुशी होती है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर सब मिलके एक साथ रहे और केक काटने का तो एक बहाना है पार्टी का, एक मिलावा था कि मिलने सब लोगों से और आगे का जो है इलेक्शन आ रहे हैं उसको आगे कैसे किया जाए। जो भी कैंडिडेट आता है या हमारी पार्टी का है या अदर पार्टी का है या गठबंधन का है तो उसको कैसे जीत के और मोदी जी को तोहफा दिया जाए, इसके बजाय तो आज हम लोगों ने केक काटा। तमाम समाचार पत्रों में जो में आपका भी नाम था कि आप कभी यहाँ से लड़ाया जा सकता है, ये तो पार्टी का डिसीजन है। पार्टी जिसको चाहेगी वो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी के ऊपर है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है और कोई अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है, लेकिन आज जो स्थापना दिवस है केक के अलावा कुछ और आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है? देखिए हम सबके जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुले जी और हमारे मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई में सेवा के भाव से कार्य हो रहे हैं। आज पूरे मुंबई में हजारों कार्यक्रम सेवा के रूप में हमने मनाया है। हमारा मकसद है कि सत्ता आने के बाद भी हम कभी सत्ता के नशे में या सत्ता भोगी नहीं रहे, हमने हमेशा जनता के लिए काम किया है। आज भी देखिए 44 वर्ष हुए हैं लेकिन आज भी पूरे मुंबई में कई जगहों पे हॉस्पिटल में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज बहुत जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने लगाया है अलग अलग माता। अभी आज खान साहब ने यहाँ पे एक, आप सभी को पता है कि रमजान का पावन महीना चल रहा है तो आज इसमें एक गंगा जमुनी तहजीब को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, उसी के माध्यम से आज इन्होंने यहाँ पर रोजा इफ्तार भी रखा है और निरंतर ये गरीबों को राशन वगैरह भी दे रहे हैं, रमजान किट भी बांट रहे हैं। ईद के लिए कैसे हर गरीब अपनी उसकी ईद अच्छी हो उसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हम सिर्फ सेवा के भाव से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली हो, यही हमारा मूल मंत्र है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ हमारी सरकार, हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है और लोगों की सेवाएं कर रहा है। देखिए 10 वर्षों का कार्यकाल आप सभी के सामने है। जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में पिछली 10 वर्षों की जो सरकार चली है उसको देखते हुए इस बार 6 की 6 तो सीटें आएंगी ही, लेकिन उसका मार्जिन बहुत बड़ा होगा मुंबई में और पूरे देश में। हम लोग 400 से जो हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर 400 पार करेंगे, क्योंकि हमारे पास सही नीति है, साफ नीयत है, इसलिए उसके और हमने अपने काम के आधार पर 400 पार का नारा दिया है और उसमें पूरी तरीके से सफल होंगे। मुझे लगता है इस बार जो 400 आंकड़ा होगा उसमें हमारे अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस बार 2014 और 2019 के जो चुनाव हुए हैं और जो 2024 का जो चुनाव होगा, इस बार अल्पसंख्यक समाज भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आतुर है और मुझे लगता है जो इतनी बड़ी प्रचंड जीत होगी उसमें हमारे अल्पसंख्यक समाज का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। जी विपक्ष का बार बार आरोप है कि बेरोजगारी हो गई है, महंगाई हो गई है। देखिए 1947 से लेके कांग्रेस ने 70 साल इस देश पर राज किया है। अगर गुर्बत नहीं है तो कांग्रेस को उसी टाइम हटा देनी चाहिए थी। हमारी सरकार ने जो गरीब तबके के लोगों को 80 करोड़ लोगों को खाना देती, हमारी सरकार ये हम कांग्रेस ने जो गुर्बत फैला के रखी थी देश के अंदर उनको हम संभाल के चल रहे हैं, उनको लोगों को खाना तक पहुंचा रही हमारी पार्टी। दूसरी बात हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तो मैं मुसलमान हूँ और ये हमारे दुबे जी बैठे हैं, ये पासवान जी बैठे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हमारी पार्टी ना हिंदू की है ना मुस्लिम की है, हमारी पार्टी सब कुछ लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास
सब पर विश्वास रखती है, ये मोदी जी का नारा है। ये अपोजिशन के लोग जो हैं, ये हिंदू मुस्लिम करके 70 साल राज किए हैं, अभी वो इनका राज चलने वाला नहीं है। इनको मालूम चल गया है कि 10 साल में मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की है, सारे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक बैनर पर खड़े हैं और मोदी जी के साथ साथ। देखिए, हम पिछले 10 साल से ये बता रहे हैं कि एक शेर के साथ मैं इस आपके सवाल का जवाब दूंगा कि घर सजाने का तस्वीर तो बहुत बाद में है, पहले ये तय तो करो घर को बचाएं कैसे। तो भारत जोड़ो यात्रा पे उनके युवराज निकले हैं, लेकिन आपको पता है एक एक करके ये जो कांग्रेस का कुनबा है वो पूरी तरीके से टूटता जा रहा है। लेकिन जब आप राजनीति एक लाभ के, आपने पर्सनल लाभ के लिए जब राजनीति को आगे बढ़ाएंगे ना, तो वहाँ ये होना स्वाभाविक है। जब आप देश हित की बात करेंगे, जब आप राष्ट्र हित की बात करेंगे, तो वहाँ परिवार बड़ा होगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम क्यों है भाजपा, क्योंकि हमारी, हमने पहले कहा कि हमारी नीति और नियत दोनों साफ है, इसलिए हमारी एक ही संकल्प है। हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमारा देश हमारे राष्ट्र के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो इसलिए हमारा परिवार बढ़ेगा। और जो जिनकी सोच तुष्टिकरण की सोच है, जिन्होंने हमेशा जात पात और देश को जात पात में बांटा है, उन स्वाभाविक रूप से एक समय तक वो जरूर आप किसी को भ्रमित कर सकते हो, किसी को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन वो समय जब आएगा जब आपका राज पूरी तरीके से खुलेगा और लोगों को मालूम पड़ेगा, तो आपका पूरा कुनबा खाली हो जाएगा। आज कांग्रेस मुक्त का जो नारा दिया था माननीय मोदी जी ने, आज मुझे लगता है कांग्रेस मुक्त भारत अपने अंतिम पड़ाव में है। आप 2024 के बाद देखेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत पूरी तरीके से हो जाएगा। देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई करने के लिए। जितने भी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का कोई दायरा नहीं है, उनमें कोई वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर नहीं है। जो देश को लूटने का काम करेगा, जो चोरी करेगा, उसको सजा अवश्य मिलेगी। ईडी अपना काम कर रही है। आपको पता है कि जिस तरह से 2014 के बाद मोदी जी सक्रिय हुए हैं, इस देश से जो गुंडागर्दी है, जो माफिया है, वो नष्ट नाबूद होते जा रहे हैं, मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, इसलिए उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। ईडी का डर उन्हें है जिन्होंने गलत काम किया है। मेरा सवाल, मैं समय पर, आपको पता है कि उत्तर भारतीयों का जो समर्पण है, जो भारतीय जनता के प्रति उनका लगाव है, हमेशा से उनको सम्मान पार्टी ने दिया है। आप ही के बीच के रहने वाले यहाँ कृपा शंकर जी को जौनपुर से लड़ा है, आपको पता है वो मुंबई का रहे, लेकिन उनको जौनपुर से लड़ा है क्योंकि उनकी वहाँ पे जन्मभूमि है। और यहाँ पे भी विद्या ठाकुर जी हैं जिनको यहाँ मुंबई ने MLA बनाया है, मंत्री भी बनाया है, तो हमको बराबर से उत्तर भारतीयों को सम्मान मिला है। और मुझे लगता है कि हम इस पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते कि हमारा पर्सनल क्या फायदा हो रहा है, जो देश हित की बात